हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। आज हम लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक करा था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। मेन हमने लास्ट क्लास में जैसे क्या पढ़ा था, हमने इंथैल्पीज पढ़ी थी बहुत सारी, कि आपकी कौन कौन सी मेन इंथैल्पीज होती हैं एज पर द रिएक्शंस, आपकी कौन कौन सी इंथैल्पीज है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, कि आपका रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाता है विद द सेम नंबर ऑफ मोल्स, और आई कैन से विद द सेम स्टोशियोमेट्री, तो जो रिएक्शन जो वैल्यू होती है डेल्टा एच की, वो रिवर्स हो जाती है। यस, मतलब पॉजिटिव है तो, सॉरी मैंने वैल्यू बोल दिया, साइन रिवर्स हो जाता है, वैल्यू रिवर्स नहीं होती, साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। देखो, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हम बहुत हायर क्लासेस में जाते हैं तो पढ़ते हैं। फेस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बस ये देखना है, फेस का मतलब क्या होता है। फेस का मतलब होता है जो आपकी स्टेट होती है, जैसे सॉलिड स्टेट से मैं लिक्विड में जा रही हूँ, लिक्विड से गैस जा सकते हैं, जैसे आइस है, आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से हम अपना गैस बना सकते हैं, वेपर्स बना सकते हैं। सो दैट इज़ द चेंज इन द स्टेट, जो हम बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वन स्टेट टू अनदर इज नोन एज फेस ट्रांसफॉर्मेशन। That process of change of state from one state to another is called as phase transformation. तो उसमें enthalpy change आपका कितना होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपका इस type का reaction होता है, जब आपका phase transformation होता है, तो आपके number of moles change नहीं होते। ठीक है, मैंने एक container लिया, उसमें मेरे number, मैंने let it be 10 मोल ice ली है, ठीक है, तो वो water में convert हो जाएगी। water से किस में हो जाएगी, ice में, sorry vapor में। तो मोल्स तो उतने ही रहे ना, क्योंकि कंटेनर मेरा क्लोज्ड कंटेनर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल्स तो उतने रहे। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है चेंज इन टेम्परेचर। तो मुझे मेरा डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन था, अब वो किसके टर्म्स में आएगा, डेल्टा टी के टर्म्स में। लास्ट तक मैं कहाँ तक पढ़ती थी, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में जाके कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वहाँ पे पता होना चाहिए कि जैसे मैंने याद कर लिया था कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो भाई डेल्टा एच का फॉर्मूला लगेगा। बट क्यों लगेगा, वो इसलिए लगेगा कि मोल्स आपके कांस्टेंट है, एक रिएक्शन में आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर आपका ऐसा कुछ रिएक्शन है कि जिसमें आपका रिएक्टेंट अलग है और प्रोडक्ट अलग है, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होंगे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों चेंज हो जाएंगे, एक ही चेंज होगा। नेक्स्ट, अब उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया। फर्स्ट इज, जब जैसे हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपकी स्टेट्स चेंज होती है, जो आप आई थिंक 9-10 स्टैंडर्ड में हमने सीखे हैं, आपकी स्टेट्स चेंज हो रही हैं, स्टेट्स ऑफ द मैटर, उस प्रोसेस को बोलते हैं फेस। फेस का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर फेस, फेस का मतलब होता है लाइक एक पर्टिकुलर स्टेट में हूँ। इट दिस वुड बी बेटर टर्म, कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, से सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, सो दैट प्रोसेस इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सॉलिड टू लिक्विड इज माई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दैट इज द इंथैल्पी चेंज अकंपनीज द मेल्टिंग ऑफ वन मोल। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट क्लास में ये बताया था, कि जब भी इंथैल्पी चेंज होता है, जब भी आप कोई भी इंथैल्पी चेंज डिफाइन करते हो, तो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो जब भी इंथैल्पी चेंज डिफाइन किया जाएगा, वो हमेशा एक मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। अब मुझे 10 के लिए, जैसे एक मोल सॉलिड से आइस, सॉरी आइस से मेरा वाटर बन रहा है, एक मोल में मेरी एनर्जी लगी 10 किलो जूल पर मोल, तो भाई 10 में कितनी लगेगी, इनटू 10 कर देंगे, 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा एक मोल के लिए डिफाइन की जाती है। इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि जब पेपर में, जब हमारा थ्योरी पेपर होता है, तो वहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू होती है। वैसे तो एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट्स में होना चाहिए। लाइक NaCl सॉलिड है, नमक है मेरे पास सॉलिड स्टेट में, मैंने एक्वा स्टेट में बनाया। NaCl लिक्विड नहीं होता, NaCl बेसिकली एक्वा स्टेट में होता है, तो इंथैल्पी चेंज होगी। सो ड्यूरिंग फ्यूजन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। यस, ड्यूरिंग फ्यूजन, जैसे हम वो जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ते थे, कि जब आपका मेल्टिंग हो रहा है, मतलब जब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर वो भी अप्लाई होंगी। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से मुझे वेपर बनाना है, कितने मोल के लिए, वन मोल ऑफ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर सर्टेन, सॉरी स्टैंडर्ड प्रेशर में, जब मेरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, नाउ जैसे जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मेरे पास दो लिक्विड है, ए और बी,
इसको ऐसे समझते हैं, ए और बी दो लिक्विड है, ठीक है। जो ए लिक्विड है, बहुत डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर आ गया, क्वेश्चन आ गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, ए लिक्विड है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे तो बॉयल करना है लिक्विड को, लिक्विड को बॉयल करना है, तो लिक्विड से कहाँ जाना है, मुझे गैसीय स्टेट में जाना है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस, टेम्परेचर आप दे रहे हो सिस्टम को, मतलब आप एक फॉर्म, एक टेम्परेचर एक जरिया है कि जिससे हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, यस, टेम्परेचर इज इटसेल्फ नॉट एन एनर्जी, ये एक जरिया है जिससे हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सिस्टम में, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतनी ही ज़्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और तो उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगी। अब कोई लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है तो एनर्जी भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कहता है कि जो जितना आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी ही मेरी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी। सो वाटर में ज़्यादा है, उससे कम बेंजीन में और N2 में कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से, जब भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑब्वियसली आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बढ़ती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ता है एंड एंथैल्पी भी बढ़ती है। द सेम अप्लाइज फॉर वैंडरवॉल फोर्सेज ऑल्सो, अगर मेरी वैंडरवॉल फोर्सेज पार्टिकल के बीच में बढ़ रही हैं तो सेम चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है ना। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का मैं यही दो एग्जांपल ले दे के पूछे जाते हैं। अच्छा, ये डेल्टा एच की वैल्यू याद नहीं करके जानी कि भाई हम रट रहे हैं इसको, ये एग्जाम में गिवन होंगे, इसको याद नहीं रखना, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉरी, वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अच्छा, एक और चीज़, मेरे पास सॉलिड है, मैंने गैस में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे इसने मुझे दिया कि एंथैल्पी मेरी पॉजिटिव है, पर मुझे दूसरा रिएक्शन करना है, मुझे रिवर्स करना है कि मुझे गैस से सॉलिड बनाना है, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मेरी नेगेटिव हो जाएगी, यस। तो ये याद रखना कि ये जो एंथैल्पीज हैं ये लिक्विड से गैस के लिए पॉजिटिव हैं, तो गैस से लिक्विड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। सॉलिड से लिक्विड पॉजिटिव है तो लिक्विड से सॉलिड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे एग्जाम में। नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज, हम जितनी भी एंथैल्पीज पढ़ी हैं हमने उसमें दो एंथैल्पी ही आएंगी पेपर में, मतलब मोटी मोटी दो ही आती है, वैसे तो कोई भी पूछ लेता है बट मैक्सिमम टाइम्स दो ही पूछता है। वन इज़ फॉर्मेशन, अच्छा तीन मान लेती हूँ मैं, वन इज़ फॉर्मेशन, वन इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड वन इज़ कंबशन। बॉन्ड डिसोसिएशन भी दे देते हैं, वन इज़ फॉर्मेशन, अनदर इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड अनदर इज़ कंबशन, ठीक है। ये बहुत बार मतलब पेपर में इन्हीं के आसपास ही सवाल बनेगा। नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और डिक्रीज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, यस। यहाँ पे इसको काट देना, इट इज़ नेगेटिव ओनली, एंथैल्पी ऑफ कंबशन नेगेटिव होता है हमेशा। नाउ जैसे हम जो बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि भाई मैंने कोई भी एक कंपाउंड लिया, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हमेशा CO2 और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। वो हमेशा CO2 और वाटर रिलीज होगा, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एग्जांपल है, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड से हम क्या समझते हैं, देखो कोई भी मैंने चीज़ को बर्न करा है सो दैट मीन्स दैट इज एंथैल्पी है, कंबशन हो रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब हो जाता है कि जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरे रिएक्टेंट है, दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। जैसे फर्स्ट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट, सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सेकेंड में इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि जो आपका कार्बन होता है वो आपको ग्रेफाइट की फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में मिलता है, नॉट CO, तो C हो जाएगा और D भी हो जाएगा क्योंकि आपका एक हाइड्रोकार्बन है ये, यस। अच्छा हाँ, नो सी इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे CO2 बनना चाहिए था, ठीक है, कार्बन से CO2 बनना चाहिए था। नाउ कैलोरोफिक वैल्यू, कैलोरोफिक वैल्यू की यूनिट पूछ लेते हैं।
कि इसकी यूनिट क्या होती है कई बार एग्जाम में. सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या, जनरली जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो हमारे फ्यूल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स और ये सब, इनकी कैलकुलेट की जाती है. सो इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज और जूल व्हेन 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न्ड. यस, मेरे पास जैसे आपने सुना होगा कि जो जैसे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा विद कंपैरिजन टू योर कोल एंड वुड, इनसे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जैसे हम जो LPG यूज़ करते हैं घर पे, तो वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू योर कोल एंड वुड. जैसे जो हमारे विलेजेस होते हैं, अभी हम अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह देखें, अगर मतलब ज्योग्राफी या मतलब पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो उसमें क्या सिखाया जाता था जूनियर क्लासेस तक हमें, कि हमें जो विलेजेस हैं उसमें हमें ये कोल और इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए, चूल्हे का मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें LPG गैस सिलेंडर्स हमें वहाँ यूज़ करने चाहिए. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो LPG है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू योर कोल और वुड उनसे, क्योंकि उसमें क्या है कि वो 1 ग्राम में जितना बर्न होगा उससे बहुत ज़्यादा CO2 होगी. LPG में क्या है कि 1 ग्राम में जितना बर्न होगा एनर्जी बहुत मिलेगी, CO2 कम निकलेगा कंपैरेटिवली, तो वो एक बेटर फ्यूल है, इट इज़ अ बेटर फ्यूल, तो वो हम उसे प्रेफर करते हैं. जैसे सबसे बेस्ट फ्यूल हमारा हाइड्रोजन होता है, क्यों, बिकॉज इट इज़ इको फ्रेंडली है. हम जो हाइड्रोजन फ्यूल्स हम जो हम रॉकेट्स में यूज़ करते हैं, हम जनरली हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल टिल नाउ, अभी तक जितना हमने डिस्कवर करा है. लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या दिक्कत है कि हम उसकी एनर्जी इतनी इमेंस है कि हम उसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल भयंकर ब्लास्ट हो जाएगा, तो हम उसको अभी यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स ऐसा हो सकता है कि हम हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर पाएँ, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट में जो मतलब प्रॉब्लम्स है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कम हो जाएगा. तो बहुत अच्छा फ्यूल है. तो ये सब कहाँ, ये सब जो हम ज्योग्राफिकल मतलब जो एस्पेक्ट मैं बता रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू योर ज्योग्राफिकल एंड यू नो इससे रिलेटेड है. लेकिन ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, साइंस से. उस चीज़ को समझाता कौन है, साइंस, एंड दैट टू पर्टिकुलरली केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज़ अ कंबशन रिएक्शन. अब कंबशन रिएक्शन को कौन एक्सप्लेन करेगा, दैट इज़ अ केमिस्ट कैन ओनली एक्सप्लेन अ कंबशन रिएक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो हम आगे जाएंगे, थोड़ा हमारा इंटरेस्ट पड़ेगा, तो हम वेरिड फील्ड्स में जा सकते हैं. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग द कैलोरीफिक वैल्यू, कि आप एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू से बता सकते हो वेदर इट इज़ अ गुड फ्यूल और नॉट अ गुड फ्यूल. यस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, जूल पर ग्राम. हायर इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू, हायर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल. तो यही मैंने बताया, कोई एक ऐसा फ्यूल है, देखो इसका मतलब क्या है, 1 जूल इन 1 ग्राम एनर्जी रिलीज इन 1 ग्राम. एक मेरे पास फ्यूल है जिसको मैंने 1 ग्राम को बर्न करा और मेरे पास बहुत कम एनर्जी आई, एक को मैंने 1 ग्राम बर्न करा बहुत ज़्यादा एनर्जी आई, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है कि मैंने थोड़ा सा बर्न करा, एनर्जी ज़्यादा है, इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. नेक्स्ट, नाउ हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज दिस मच, व्हाट इज़ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके कंबशन की हीट इतनी है तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कार्बन की क्या होगी, आपसे ये पूछा है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 96 × 1000 जूल पर मोल, और इसको डिवाइड कर दो आप 12 ग्राम पर मोल से. ठीक है, तो एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल पर ग्राम में. यस, मुझे क्यों लग रहा है क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे. ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, दिस समवॉट मिसिंग है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है, इसको छोड़ देंगे. चलो, नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. वेरी ब्यूटीफुल इंथैल्पी. व्हाई वेरी ब्यूटीफुल इंथैल्पी, बिकॉज ये आपको जब आप जैसे स्कूल में जाओगे, जब आप स्कूल जाते हो, आप टाइट्रेशन लैब में जाते हो, स्कूल मतलब लैब में जाते हो, आप एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हो. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि क्योंकि देखो टॉपिक आई एक्सप्लेन, टॉपिक में कुछ नहीं है, उसकी एप्लीकेशन समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे इस नॉलेज को जाके. मुझे एक सिस्टम है, एसिड बेस सिस्टम है मेरे पास, और मुझे बताना है एसिड है बेस है. तो भाई अभी हम अपनी प्रेजेंट नॉलेज से क्या बता सकते हैं, आप इंडिकेटर से बता दो.
जैसे जैसे आप आगे स्कूल में जाओगे तो हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन का मतलब क्या करते हैं, टाइट्रेशन बेसिकली बहुत टाइप की होती है। हम क्या करते हैं, एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस से एंड हम कुछ यू नो नॉर्मैलिटी और वो सब का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और हम देखते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे करके तो हम उससे बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लाइक व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स आई डिड दिस रिएक्शन वाया एक्सपेरिमेंट। आपको एनोनिमस कोई भी केमिकल मिल जाता है, जैसे कोई भी उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट सा पानी जैसा केमिकल दे देते हैं और बोलते हैं इसका रिएक्शन करके लेके आओ और इसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना, कैलकुलेशन जो भी होती है प्रोसीजर में, और फिर बताना ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे बताना होता है। सो इस पर जो बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, विदाउट एक्सपेरिमेंट आई कैन नॉट रीच टू अ कंक्लूजन। तो उसमें क्या होता है कि मैंने, मेरे पास कोई भी एक कोनिकल है, उसमें उन्होंने कोई भी मुझे एक लिक्विड दे दिया, पानी जैसे देखने में लगता है। अब मैंने क्या करा, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है मैंने वो करा, उससे मैंने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाली। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे हम बचपन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते दैट एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म वाटर, एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म वाटर। एसिड्स वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, पर मैं मान के चल रही हूँ एसिड ऐसा है जो मुझे एच प्लस आयन दे रहा है, बेस ऐसा है जो मुझे ओ एच माइनस दे रहा है, और उससे बन के क्या बन रहा है, मेरा वाटर बन रहा है। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में कुछ तो एंथैल्पी होगी, तो याद रखना ये एंथैल्पी हमेशा रिलीज्ड होती है एंड दैट इज़ -13.6 कैलोरी पर मोल किलो कैलोरी पर मोल, -13.6 किलो कैलोरी पर मोल। यस, तो ये कब है, मैंने एक्सपेरिमेंट करा सो एंड सो और मेरी वैल्यू इतनी आ गई, तो मुझे इससे क्या इंटरप्रिटेशन मिलेगी, मुझे ये मिलेगा कि जो मेरा एसिड था वो भी स्ट्रांग था, मेरा बेस था वो भी स्ट्रांग था। सो वाई एन एक्सपेरिमेंट आई हैड अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर मी कि जब भी हम एक स्ट्रांग एसिड लेंगे, जब भी एक स्ट्रांग बेस लेंगे, तो मेरे पास एक एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ -13.6 किलो जूल पर मोल, और मेरा एसिड बेस स्ट्रांग एसिड बेस होगा। तो एक एनोनिमस केमिकल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई कैन टेल वेदर इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैंने कोई एक नया एसिड बेस डिस्कवर करा है तो हम ऐसे बता सकते हैं। यस, अब अगर कोई मेरा एसिड वीक है, अगर कोई मेरा एसिड वीक है तो पहले मुझे उसको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब मुझे उसको आयंस में तोड़ना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेरी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कम हो जाएगी। अब जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आ गई, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा एसिड है या जो मेरा बेस है वो वीक है, है ना, जो मेरा एसिड है या बेस है वो कैसा है, वीक है। तो इससे हम वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि मेरा जो एसिड है या जो मेरा बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इसका जो कोर रूट है या जो बिल्कुल बेसिक है वो ये है कि जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, सो अ सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विद वाटर, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एन एनर्जी इज रिलीज, दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ -13.6 किलो जूल पर मोल एंड दिस वैल्यू इज़ फॉर योर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये इसके पीछे की स्टोरी थी। नाउ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द हीट इज इवॉल्व्ड और डिक्रीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जब भी हमारे आयंस होते हैं हम इक्विवेलेंट के टर्म्स में बात करते हैं। एसिड इज न्यूट्रलाइजेशन विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का बेस का मतलब हुआ 1H+ विल रिएक्ट विद 1OH-। यस, तो मेरे पास सॉल्ट प्लस वाटर बना, तो वहाँ पे एनर्जी आपकी कितनी रिलीज हुई, -13.67, मैंने 6 याद करी है, 7 भी याद कर सकते हैं, या किलो जूल पर मोल में। ठीक है, ये वैल्यू किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक है, अब ये अच्छा, मैंने अभी तक पूरे चैप्टर में आईफोन से मेमोराइज अ सिंगल इंथैल्पी, कोई याद नहीं करके जानी होती क्योंकि पेपर में डायरेक्टली आती है, बस ये एक इंथैल्पी है जो हम याद करके जाएंगे, जस्ट सिंगल इंथैल्पी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -13.6 किलो कैलोरी पर मोल। सिर्फ मुझे भी यही इंथैल्पी याद है, मुझे कोई इंथैल्पी याद नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं करनी है, बस ये याद करनी है क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। नाउ लेकिन ये तो किसके लिए मैंने डिफाइन करा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, लेकिन जब मेरे पास एक इक्वालेंट
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वीक एसिड वीक बेस के साथ, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. मतलब जैसा जो मेरा स्टैंडर्ड था जो मैंने मेजर करा था उससे कुछ अलग सिचुएशन बन गई तो जो मेरी इंथैल्पी है वो कम हो जाएगी. जो मेरी इंथैल्पी जितनी आनी चाहिए थी उससे कम हो जाएगी. वाई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाई, क्योंकि जो मेरे आगे भी जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है. जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम है दैट डील्स ओनली अबाउट दिस फोर कॉम्बिनेशंस, ओनली एसिड्स एंड बेसिस. यस, तो उसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट चलता है वो ये कहता है कि जब एक वीक एसिड और वीक बेस है, जैसे जूनियर आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा होगा वीक एसिड वीक बेस का मतलब क्या है, बहुत आसानी से एच प्लस आयंस मुझे नहीं देगा. अगर वो आसानी से मुझे एच प्लस आयंस देगा मुझे तो ज़बरदस्ती खींचने पड़ेंगे, तो मेरी कुछ एनर्जी लगी उस आयंस को खींचने में, तो जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी मेरी कम हो जाती है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा मेरा वीक एसिड है या वीक बेस है. सो द हीट इवॉल्व इज कंज्यूम्ड इन आयनाइजेशन. दिस इज़ द रीज़न जो वाई का मैंने अभी बताया, जो आपकी हीट इवॉल्व हुई है वो कंज्यूम हो जाएगी आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में. तो जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसमें से कुछ यूटिलाइज होगी फॉर द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस. तो जब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तब थोड़ी सी कम होगी, जब मेरे पास वीक एसिड वीक बेस है मतलब दोनों ही वीक हो गए तब तो और भी कम हो जाएगी. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. यस, देयर इज एन एक्सेप्शन. HF इज अ वीक एसिड बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी हाई. ये बोला जाता है कि HF एक वीक एसिड है. जब हम हमने आई थिंक प्रियोटिक में या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी था दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम आयन इंक्रीजेस, द डीलोकलाइजेशन और द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से मेरा एसिडिक कैरेक्टर पड़ता है. यस, सो HF इज अ वीक एसिड बट स्टिल इसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत हाई है. बाय यस, सो why दिस इज सो, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF एंड H2O. यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली है क्या कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन. जब भी ये मेरे पास कॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सॉरी इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जो मेरी पैकिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है एंड सिस्टम स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो बीइंग अ वीक एसिड स्टिल इट हैज़ अ हाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. क्यों? क्योंकि पैकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसको तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब जो जब रिलीज होगी, इसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हाई. यस ना, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं. Then we'll start with the enthalpy of isomerization and all that. ये सिर्फ नेम है, मतलब नाम से है ये lattice enthalpy, जैसे हमने lattice already पढ़ा था. पहले इतना लिख लेते हैं, then we'll move to that question. Thank you.
should we start from this question? Just a second. Yes. So we start from this question. This is the numerical based on the concept we have studied in the neutralization. ये question क्या कहते हैं? देखो, दो मैं बता देती हूँ, बाकी आप कर लेंगे. वही जैसे हम मोल में पढ़ते थे, बिल्कुल वैसा ही है. ये ऑप्शनल नहीं, मतलब ये ऑप्शंस नहीं है, पांच डिफरेंट क्वेश्चंस है. एक सेकंड रुकेंगे. पांच डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है. देखो, थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे. कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेरा H प्लस रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ, बनाएगा H2O, ठीक है. क्योंकि ये आयंस हैं, सो आई कैन नॉट यूज द टर्म वन मोल. आई वुड यूज वन इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन विल रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस टू गिव वन इक्विवेलेंट ऑफ वाटर. या फिर एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देने के लिए? H2O देने के लिए, ठीक है. अब देखो, जो H2SO4 है, वेट करेंगे. यस, 46 ग्राम H2SO4 लिख लेते हैं. पहले मैं रिएक्शन समझा दूँ, ये समझ आ गया ना. तो रिएक्शन क्या हो रहा है, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस ये बनाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे अलग क्या है, कि मेरे दो मोल NaOH यूज़ होंगे, ठीक है. दो मोल, यस. यहाँ से कितने H प्लस आएंगे? यहाँ से दो H प्लस आएंगे जो कि दो OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे और दो मोल क्या बनेगा? वाटर, ठीक है. आई कॉन्ट चेंज दिस क्योंकि H2SO4 ऑब्वियसली कितने H प्लस आयंस देगा? दो H प्लस आयंस देगा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. 46 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 0.5 मोल्स, ठीक है. मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, 46 ग्राम्स का मतलब 0.5 मोल, यस. एंड 40 ग्राम, यस, 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल, ठीक है. ये पॉइंट, ये 0.5 मोल है और ये कितना मोल है आपका? 2 मोल. मुझे 2 मोल लेना पड़ेगा, है ना. ये 0.5 मोल्स लेंगे और ये हम क्या लेंगे? 2 मोल लेंगे, ठीक है. तो मेरे पास कितना वाटर बनेगा? 2 मोल बन जाएगा, ठीक है. कितना वाटर बनेगा? 2 मोल पानी बन जाएगा, यस. मैंने, यस, ठीक है. तो 0.5 मोल था. तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है. आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 मोल के साथ इसके 2 मोल रिएक्ट कर देते. मैं ऐसा ऐसे लिख देती हूँ, देखो ऐसे आसानी से समझ आएगा. दो मोल बन रहा था ऐसे, शायद आपको रिवर्स साइकोलॉजी से शायद ज़्यादा अच्छे समझ आए, ठीक है. अब इसके कितने मोल्स हैं? 0.5, एक तो ये मार कर. अब इसके कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स मुझे गिवन है. तो OH के हम कितने मोल्स लेंगे? 1 मोल. तो इसका भी कितना बनेगा? 1 मोल, ठीक है. H2SO4 के हमने 1 मोल लिया, NaOH के कितने मोल से? 2 मोल के साथ. तो कितना मोल वाटर बनेगा? 2 मोल बनेगा, ठीक है. तो अगर इसके 0.5 मोल से तो इसके 1 मोल होगा, 1 मोल होगा तो यहाँ पे, ठीक है. तो आपकी जो एनर्जी आनी थी वो किस कितने मोल के लिए डिफाइन करते हैं हम? 1 मोल के लिए. अब मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? हाफ हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? हाफ, दैट इज़ -13.6 डिवाइडेड बाय 2, ओके. जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या करा, उसने मुझे 1 मोल दे रखा है. 1 मोल H2SO4 रिएक्ट्स विद 2 मोल NaOH टू गिव 2 मोल वाटर. उसने मुझे लिख के ही दिया है, मतलब उसने डेटा ही एक्यूरेट दिया है. तो
इतना ही रिएक्ट कर रहा था स्टोशियोमेट्री से भी इतना ही है मेरे पास, तो एनर्जी कितनी बनेगी? -13.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगर हम जैसे जो एनर्जी है दैट इज डिफाइंड फॉर वन मोल, अगर मेरे जो मोल्स है वो 0.5 हो जाएंगे तो उसके, अगर मेरे मोल्स आधे हो गए तो एनर्जी भी आधी हो जाएगी, मोल्स डबल हो गए तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। यस, इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के हैं, अभी वीक एसिड वीक बेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, वीक एसिड वीक बेस में बस इतना याद रखेंगे, वो ये आपसे पूछेगा कि वीक एसिड वीक बेस में जो एनर्जी होगी वो कम होगी, ज़्यादा होगी, बराबर होगी, क्या होगा? तो कम होगी, बस HF को छोड़। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। जब आपके आइसोमर्स बनते हैं तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जैसे हम जो 10th स्टैंडर्ड में कार्बन वाले पढ़ के आते हैं वही सिस्टम होता है कि आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। द मॉलिकुलर कंपाउंड विद द मॉलिकुलर सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो द एनर्जी रिलीज्ड और द एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन आइसोमेरिक फॉर्म टू द अनदर इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। जब आपकी एक आइसोमर से आप दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हो, जैसे हम कोई सा भी ले लेते हैं, एन ब्यूटेन ले लिया मैंने और इससे मैंने आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी माय एंथैल्पी ऑफ आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? क्योंकि दो टर्म हो जो टर्म्स आ जाती है हमारे सामने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी, या फिर जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्पेसिफिकली तोड़ने वाली, कि जैसे ये बॉन्ड है अब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, नाउ फॉर द ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है इस वजह से। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जब आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ईच बॉन्ड इज डिफरेंट एंड बॉन्ड एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर द डिफरेंट बॉन्ड। जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये कहना चाह रहा है कि जब मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने ये ले लिया डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें एटमाइजेशन का तो मतलब क्या हुआ? सबको एटम्स में कन्वर्ट करो, डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी। अब इनमें सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन के लिए अलग होगी, कार्बन कार्बन के लिए अलग होगी, पाई के लिए अलग होगी, सिग्मा के लिए अलग होगी, तो इस वजह से डिफरेंट हो जाता है। इनके लिए एटमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मुझे क्वेश्चन गिवन है, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन गिवन है कि मुझे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो इसने मुझे क्या करा, उसने मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मुझे निकालनी है कि मीथेन था, मीथेन को एटम्स में कन्वर्ट करा कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतनी एटमाइजेशन, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? देखो CH4 में कितने बॉन्ड होंगे? 4 टेट्राहेड्रल, यस 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मतलब कुछ भी एक्स एनर्जी है तो वो तो एक के लिए होगी, तो 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये 4 के लिए आई है, तो मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो 4 के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 के लिए मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, यस, नाउ जो सिंगल बॉन्ड, ये आप एज सच याद रख सकते हो कि मतलब ये याद ही रखने वाली बात है कि जो सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन की होती है, उससे कम क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन। और जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही आपकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस yes. अच्छा, अब ये बताएंगे, ये सवाल अच्छा है, फिर हम पहले यहाँ तक करते, देन वील मूव टू लैटिस एनर्जी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मुझे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है उसकी, ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, मुझे एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन इज इक्वल्स टू सबकी बॉन्ड एनर्जी, देखो इसको बनाने इसकी कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो मेरे पास है नहीं तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 415 × 6, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, पहले प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे ना, तो कितनी हो जाएगी? 415 × 6, ये मैंने किसके लिए लिखी? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड।
फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ने कार्बन ऑक्सीजन, ये कितने बॉन्ड है, दो, प्लस 352 इंटू टू, ठीक है, जितने बॉन्ड होंगे उतने उतने मोल लगेंगे, माइनस रिएक्टेंट की कितनी गिवन है मुझे, 41 किलो जूल पर मोल. यस, सो वॉट विल यू गेट द एनर्जी ऑफ आइसोमराइजेशन. तो मैंने इसमें क्या करा, इसमें एग्जामिनर ने क्या करा कि मुझे प्रोडक्ट के लिए तो एनर्जी दे दी आइसोमराइजेशन वाली या बॉन्ड डिसोसिएशन वाली, और रिएक्टेंट के लिए कौन सी दे दी, वेपराइजेशन वाली. ठीक है, तो हम इस रिएक्टेंट के लिए अलग निकाल लेंगे, प्रोडक्ट के लिए अलग निकाल लेंगे. अब OH बॉन्ड था नहीं तो मैंने यूज़ नहीं करी, कार्बन कार्बन बॉन्ड था नहीं तो ये डेटा मैंने यूज़ नहीं करा, और ना ही ये याद करके जाना, एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा ही. पर हाँ, इंटरप्रेट करना आना चाहिए. अब इंटरप्रेट अगर मैं भी ऐसे लगाने चाहती तो नहीं कर पाती, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जिससे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करे फिर करा, तो ये आसान हो जाता है. तो एक काम करते, पहले हम यहाँ तक कर लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. अरे यार, यहाँ पे दो अलग अलग एनर्जी है, दो अलग अलग पैराग्राफ मतलब सब हेडिंग्स बना के लिखेंगे.
So next we'll start with the lattice energy. This will be the last topic for the day. Lattice energy. Lattice energy हम पहले भी पढ़ चुके हैं. हमने आयनिक बॉन्ड जब पढ़ा था तब हमने लैटिस एनर्जी पढ़ा था. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनर्जीज फॉर द एग्जाम, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब मतलब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तब भी काम आता है. सो वॉट इज़ लैटिस एनर्जी? बेसिकली लैटिस एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, योर यू कैन से इट इज़ द एनर्जी रिलीज वेन द एटम्स, गैशियस एटम्स, दे कम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड. यस. सो एंथैल्पी चेंज वेन अकर्स वेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इन टू आइंस. आप कैसे भी बोल सकते हो, आप दोनों डायरेक्शन में बोल सकते हो. जब हम सॉलिड से आयंस बनाते हैं सो दैट टाइम डेल्टा एच इज पॉजिटिव. ठीक है. आप रिवर्स में, जैसे जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने रिवर्स में बताया था, नेगेटिव बताया था. देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, एक सॉलिड है, सॉलिड को तोड़ना पड़ेगा तभी तो आयंस में कन्वर्ट होगा ना, डिसोसिएशन होगा आयंस का. इसे हम आयन डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा, आयंस आपके टूट रहे हैं सॉलिड से तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना सिस्टम को. इफ़ यू रिमेंबर दी इन द थर्ड इन दी फोर्थ चैप्टर हमने हाइड्रेशन एनर्जी, हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी को पूरा समझा था. तो उसमें हमने क्या समझा था कि सॉलिड है उसमें से आयंस बनाने हैं तो सॉलिड को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट इज़ योर हाइड्रेशन, सॉरी दैट इज योर लैटिस एनर्जी, दैट मस्ट बी पॉजिटिव. अब ये गैशियस आयंस, अब इस गैशियस आयंस से मुझे एक्वस आयंस बनाने, दैट इज हाइड्रेटेड आयंस बनाने, तो मुझे एनर्जी मेरी रिलीज होगी. तो हमने वहाँ पे बहुत सारा देखा था कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब स्टेबल होगा, कब नहीं होगा. एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हमने पढ़ा था, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. यस. सो दिस इज अ बॉर्न हैबर साइकिल, वी हैव ऑलरेडी डन इट. यस. जब भी सॉलिड से हम एटम बनाते हैं, गैशियस एटम, दैट इज सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बनाना, देन आयंस में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी. फिर यहाँ पे क्लोरीन एटम टूटेगा क्योंकि मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो टूटेगा. आधा मोल किस लिए लिया है मैंने, क्योंकि एक मोल के लिए डिफाइन करना है. ठीक है. फिर अनायन बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड देन लास्ट में लैटिस एनर्जी. तो यहाँ पे आपका एक, अब तो नहीं आता, जब हमारा जेई सब्जेक्टिव होता था तब ये आता था, पर मे बी आपसे पूछ ले, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द सबमिशन ऑफ ऑल दिस एनर्जीज. ठीक है. तो ये हेसेस लॉ मुझे बताता है. हेसेस लॉ बेसिकली क्या है कि मुझे ए से बी तक जाना है तो मेरी कोई भी एनर्जी लगी, ठीक है, लेट इट बी एनर्जी ईवन. लेकिन अगर मैं इस पाथ से जा रही हूँ कि डी फिर ई फिर एफ एंड देन बी, तो मेरी एनर्जी कौन सी लगी, 2, 3, 4 एंड 5. तो वन विल बी एनर्जी, वन विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ 2 + 3 + 4 एंड 5. ठीक है. आपका जो, आप कोई सा भी रूट लो, विच एवर रूट यू फॉलो, जो आपकी टोटल एनर्जी है रिएक्शन की वो इक्वल ही रहेगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो गए तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है. सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी द सबमिशन ऑफ ऑल दिस एनर्जी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, देन आयनाइजेशन एनर्जी, देन एंथैल्पी ऑफ, देन डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड देन योर लैटिस एनर्जी, देन फाइनली योर लैटिस एनर्जी. तो एग्जाम में कैसा होता है कि कोई भी एक एनर्जी मिसिंग, अच्छा एक सेकेंड, ये डिवाइडेड बाई टू होगा क्योंकि मैंने आधे मोल के डिफाइन करी है, इसको ध्यान रखना. तो हाँ, तो इसमें क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएबल्स है, कोई एक मिसिंग होगा तो उसमें प्लस माइनस करके उसको निकाल लेंगे. ठीक है. तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी पीछे लिख के बताई. एक चीज़ याद रखेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे मैंने हाफ क्यों लिया है, क्योंकि आधे मोल के लिए डिफाइन की जाएगी. यस. तो उसी पे बेस्ड जो अभी हमने क्वेश्चन करा, सॉरी जो अभी हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि मुझे लैटिस एनर्जी निकालनी है. सो लैटिस एनर्जी विल बी फॉर्मेशन एनर्जी इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाई टू प्लस योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यस, यही मैंने बताया था. अब प्लस माइनस करके हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, विल स्टार्ट विद द हाइड्रेशन एनर्जी इन द नेक्स्ट क्लास. पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं एंड विल हैव अ, विल जस्ट रैप अप देन.
ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आज हमने क्या क्या पढ़ा, वी हैव स्टार्टेड अबाउट दी वेरियस अदर एंथैल्पीज, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए दो थी. फर्स्ट इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन से अच्छा सवाल बन जाता है बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन इज़ समवॉट रिलेटेड टू स्टोशियोमेट्री ऑल्सो, तो वो उसका पार्ट बन जाता है. एंड सेकेंड इज़ कम्बशन. यस, बाकी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद दी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी. वी स्टडी अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हेसेस लॉ, जो कि आप अगर बुक्स देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन होते हैं, वो हम हेसेस लॉ से निकालते हैं. हम उसको सीखेंगे हेसेस लॉ क्या होता है. तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन. यस, थैंक यू.